हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। मैं शगुफ्ता और आज हम बात करेंगे टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग, जैसे कि वाटर कलर, ऑयल पेंटिंग एंड ऑयल पेस्टिंग। ये ऐसी कॉमन टेक्निक है जिसकी जानकारी ज्यादातर लोगों को है, लेकिन कुछ ऐसी यूनिक और डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनकी जानकारी आमतौर से लोगों में नहीं है। इस वीडियो में आप उन सब पेंटिंग्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि एक्शन पेंटिंग, म्यूरल पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग, ओपेक पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग, फोरेज पेंटिंग। ये ऐसी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हैं जिनकी जानकारी आपको इस वीडियो से आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमें बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग। सबसे पहले बात करते हैं एक्शन पेंटिंग की, जिसको जेस्टरल एब्स्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इसमें कलर जो डायरेक्ट डालकर अप्लाई करे जाते हैं, स्प्लैश करे जाते हैं कलर्स को, और 1942 में इस टेक्निक की शुरुआत हुई थी। 1952 में एक अमेरिकन क्रिटिक हैरोल्ड रोसेनबर्ग ने इसको एक्शन पेंटिंग का नाम दिया था। रोसेनबर्ग, अर्शेल गोरको, फ्रांस क्लाइन, विलियम डिकोनी और जैक्सन पॉलिक इसके बहुत ही फेमस आर्टिस्ट रहे हैं, और जैक्सन पॉलिक इसके मास्टर हैं। आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं तो आपको और भी जानकारी मिलेगी एक्शन पेंटिंग के बारे में, और भी इमेजेस देखने को मिलेंगी। ये डेमो है, आप डेमो से पता कर सकते हैं कि किस तरह से पेंटिंग की जाती है। ये देखिए इस तरह से करते हैं। ये टेम्परा पेंटिंग है, इसको एक टेम्परा भी कहा जाता है। ये बहुत पुरानी कला मानी जाती है। पहले रोम में जो चर्चेस होते थे उसकी वॉल्स को पेंट करने के लिए टेम्परा पेंटिंग का यूज़ करते थे। ये ज़्यादातर परमानेंट रहने वाले कलर होते हैं। इसमें देखिए एग योक के साथ कलर को मिक्स करके काम किया जाता है। ये उसमें साथ में थोड़ा विनेगर और लिसेंड ऑयल भी मिलाते हैं और इसके साथ इसको काम करते हैं। इस तरह से देखिए, बहुत ये भी बहुत पुरानी टेक्निक है आर्ट की। ये एम्पेस्टो पेंटिंग, एम्पेस्टो में आप देख रहे हैं, देखिए किस तरह से इसके स्ट्रोक लगे हुए हैं। ये बहुत थिक कलर होते हैं, ज्यादातर लोग इसको नाइफ से काम करते हैं, तो इसकी तरह से ब्रश से भी काम कर सकते हैं। ये भी बहुत पुरानी टेक्निक है पेंटिंग की। ये देखिए इस तरह से स्ट्रोक लगाए जाते हैं। इसको मर्ज नहीं करते हैं ये, और इसका जो लुक आता है वो थ्री डायमेंशनल लुक आता है पेंटिंग का। ये बहुत अच्छी पेंटिंग्स लगती है। अब बात करते हैं गौश पेंटिंग की। गौश एक तरह के कलर्स होते हैं जो इस माध्यम में, जब इसको हम इस टेक्निक में कलर करते हैं तो वो गौश टेक्निक कहलाती है। और इसकी जो स्पेशलिटी ये होती है कि ये कलर थिक होते हैं, और जब हम इस कलर को अगर हम कोई कलर अप्लाई करेंगे और उसको लाइट करना होगा तो उसमें हम वाइट कलर का यूज़ करते हैं, और अगर कोई और वाटर कलर हम यूज़ करते हैं तो हम उसमें वाटर यूज़ करते हैं लाइट करने के लिए। लेकिन गौश पेंटिंग में हम वाइट कलर का यूज़ करते हैं और कलर थोड़े थिक होते हैं, पेपर एकदम बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से देख सकते हैं गौश पेंटिंग, और ये बहुत जल्दी ड्राई होते हैं, इसलिए इसको काम करने से पहले प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। यह है इनकॉस्टिक पेंटिंग। इनकॉस्टिक पेंटिंग में जो बी वैक्स होता है, जो मोम होता है, उसको पिघलाकर उसमें कलर मिक्स किए जाते हैं पिगमेंट्स, और उसके बाद उससे काम किया जाता है। ये इस तरह से हीट उसको दी जाती है कलर्स को। ये इस तरह के चौक आते हैं, वैक्स कलर आते हैं, उनको मेल्ट करने के बाद फिर उससे काम किया जाता है। ये देखिए इस तरह से, और उसका लुक, उसका टेक्स्चर अलग होता है। पहले लोग हीट गन से उसको हीट दिया करते थे कलर्स को, और उसके साथ साथ वो सेट होता रहता था और पेंटिंग करते थे।
लेकिन अब ये स्टाइल है काम करने का, इसको एनकॉस्टिक पेंटिंग कहते हैं। ये मिनिएचर पेंटिंग है। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है छोटी पेंटिंग, और ये राजपूत, मुगल और पहाड़ी इस नाम से भी जानी जाती है। उस समय के जो राजा महाराजा थे, जैसे अकबर थे, संसार चंद थे, किशनगढ़ के जो राजा थे, उन्होंने इसको काफ़ी सपोर्ट किया था आर्टिस्ट के लिए। वो अपने दरबार में अक्सर आर्टिस्ट रखते थे और वो इसी मीडियम में, मतलब इसी स्टाइल ऑफ टेक्निक्स में काम करते थे। ये बहुत पुरानी कला मानी जाती है भारत की, इसकी एक अलग ही पहचान है। बहुत डिटेल में इसमें आर्टिस्ट को काम करना होता है। ये आप देख सकते हैं प्रोसीजर इसका क्या है। आप इसके बारे में और भी सर्च कर सकते हैं और भी इसकी इमेजेस देख सकते हैं। एक वीडियो में पूरी जानकारी देना मुश्किल है। अब ये है फ्रेस्को पेंटिंग। फ्रेस्को पेंटिंग जो की जाती है वो वॉल पे की जाती है। ये इस तरह से इसमें जो प्लास्टर होता है वॉल का, उसको जो गीला प्लास्टर होता है उसी के ऊपर कलर किए जाते हैं और उसके बाद वो ड्राई हो जाता है। ये ज़्यादातर जो आर्टिस्ट थे उसको जो कैथेड्रल होते थे, जो चर्चेस होते थे, उसकी वॉल को पेंट करने में इसका यूज़ करते थे, और ज़्यादातर ये परमानेंट रहता है। इस तरह से देखिए किया जाता है काम। पहले उसको प्लास्टर किया जाता है वॉल पर, अब इसके बाद इसमें हम देख सकते हैं कि एक पिक्चर इस पर ड्रॉ की जाएगी। ये देखिए, इस पर ड्रॉ करने के बाद फिर इसको कलर फिल करेंगे। ये डेमो है, इसको बहुत पेशेंस से काम करना होता है, कई कई दिन आर्टिस्ट इस पर काम करते हैं। ये है फोरेज पेंटिंग। फोरेज पेंटिंग में जो बुक होती है उसके एजेस को पेंट किया जाता है, और इसमें एक खासियत ये होती है कि जब आप बुक को बंद कर देंगे तो आपको पेंटिंग दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब आप बुक फैन की तरह खोलेंगे तब आपको उसकी पेंटिंग दिखाई पड़ेगी। अब ये कैसे की जाती है आप देख सकते हैं। कला एक बहुत ही लोगों का पसंद आती थी उस टाइम लोगों को, इसलिए वो अपनी हर चीज़ पे उसको कलाकारी करते थे। उन्होंने बुक्स पे भी बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स की हैं। आप देख सकते हैं उसकी और भी इमेजेस। इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है रात भर। उसके बाद आप देखेंगे म्यूरल पेंटिंग। ये म्यूरल पेंटिंग है, ये भी वॉल पे की जाती है वॉल को डेकोरेट करने के लिए, और ये ज़्यादातर आजकल स्कूलों में की जाती है और जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं वहाँ की जाती है वो, और जो रोड्स पर भी जो वॉल होती है वहाँ की जाती है। तो देखिए इस तरह से लोग जुड़कर काम करते हैं। अगर बड़ा म्यूरल होता है तो ज़्यादातर कई आर्टिस्ट एक साथ काम करते हैं, और अगर छोटा म्यूरल होता तो एक आर्टिस्ट भी काम करता है। ये डिपेंड करता है वर्क पर। ये देखिए आप देखते हैं कितना बड़ा म्यूरल है, कितने सारे लोग साथ काम कर रहे हैं इस पर। इसमें वैसे एक्रेलिक पेंट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और म्यूरल पेंटिंग बाहर भी, जिसे रोड पर भी की जाती है आजकल, यह है ओपेक पेंटिंग। ओपेक पेंटिंग भी गौश पेंटिंग की तरह ही है। इसमें भी कलर थोड़े थिक रहते हैं, लेकिन गौश में ज़्यादा थिक होते हैं, ओपेक में थोड़े कम थिक रहते हैं। वाटर कम यूज़ किया जाता है। ये देखिए
ये ओपेक स्टाइल ऑफ पेंटिंग है। ये देखिए ये ओपेक नहीं है, जो आपने फर्स्ट स्ट्रिप देखी येलो की ये ओपेक पेंट है। ये ओपेक का मतलब होता है कि आपका जो पेपर है वो ऊपर दिखने ना पाए, यानी अगर कोई अगर कलर आपने नीचे लगाया है तो उसका दूसरा कलर करने के बाद वो नीचे का कलर आपको दिखाई नहीं देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।